आसाई चलिए अपन क्या कर रहे थे, टेबल ऑफ। तो टेबल ले ली अपन ने, टेबल में हमने लेआउट में ये तीनों बता दिए थे, ठीक आ गए थे। ये व्यू ग्रिड लाइंस, इसका यूज कब होता है, जब आप यहाँ से डिजाइन टूल से कोई सी भी एक ऐसी टेबल लेती हैं जिसमें आपकी डेडेस वाली लाइन होती है। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं ये ऑप्शन सेलेक्ट है, तो आपकी पूरी टेबल आ रही है, शो हो रही है यहाँ पे। जैसे आप इसको अनसेलेक्ट कर देंगे तो जो भी लाइन आपकी डेडेस में रहेगी वो रिमूव कर देता है आपको, ठीक है आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे ड्रॉ टेबल। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो माउस पॉइंटर है वो पेंसिल टाइप के साइन में चेंज हो जाएगा। माउस की क्लिक को दबा के रखेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अपन ये लाइन ले ली है। आप यहां से करेंगे, अभी आपने ये कॉलम लिए हैं आप इस टाइप से रो में ले लेंगे। आपके अकॉर्डिंग कर रहे हैं अब इसको। नेक्स्ट यहाँ पे रहता है इरेजर, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको जैसे कि यहाँ पे इरेज करना हो कोई सी लाइन, तो आप उस पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं इरेज हो गई या रिमूव हो गई, तो आप यहाँ से इरेज कर सकते हैं। ठीक है आ जाएगा। अब आप इस ऑप्शन को अनसेलेक्ट कर देंगे तो वो आपके टेबल यहाँ पे आ जाएगी जैसे आपने ली होगी। इसका अपन इसको हटा देते हैं, इस टेबल पे क्लिक किया। नेक्स्ट है आपका डिलीट, तो अपन यहाँ से डिजाइन से पहले अपनी जो नॉर्मल टेबल थी वही ले लेते हैं और इस डॉट से इसका साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे है आपका डिलीट। डिलीट के ड्रॉप डाउन और ऊपर क्लिक करते हैं तो डिलीट सेल्स, डिलीट कॉलम्स, डिलीट रो और डिलीट टेबल। आपके पास यहाँ पे कॉलम भी है, रो भी है और सेल्स के टेबल भी है, मतलब टेबल है तभी तो ये है। तो पहले अपन इसमें डाटा फिल करते हैं। हम यहाँ से नॉर्मली डाटा ले लेते हैं, बाकी आपको जैसा लेना हो आप ले सकते हैं। ठीक, इसके बाद आप टेबल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से होम टैब पर क्लिक करेंगे, यहाँ से इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर लेंगे थोड़ा। दिख रहा है सभी को? अब यहाँ पे आपको डिलीट सेल करना है, जिस सेल को डिलीट करना है उस सेल पे पहले आप क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद डिलीट के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट सेल करेंगे। जैसे आप डिलीट सेल करते हैं तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन है शिफ्ट सेल लेफ्ट, मतलब ये जो सेल है सेकंड वाला, ये जो सेकंड सेल है आपका वो तो डिलीट हो जाएगा, लेकिन उसके जगह पर ये जो लेफ्ट साइड का डाटा है 3 नंबर का वो शिफ्ट हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो आप इसे ओके करेंगे तो आप देखेंगे सेकंड वाला सेल डिलीट हो गया है, उसके जगह पर वो थर्ड वाला डाटा आ गया है। ठीक, कंट्रोल जेड करते हैं, वापस आ जाएगा। फिर नेक्स्ट इसमें रहता है, अब अपन यहाँ पे फर्स्ट वाला सेल डिलीट कर दिए। नेक्स्ट इसमें है शिफ्ट सेल अप, मतलब ये जो आप फर्स्ट वाला सेल डिलीट कर रहे हैं उसको तो आप डिलीट कर देंगे, लेकिन उसके जगह पे जो नीचे का डाटा है वो आप मतलब ऊपर चला जाएगा, मूव शिफ्ट हो जाएगा, तो अपन यहाँ पे कर देते हैं। देखिए आ गया, फिर अपन यहाँ पे कंट्रोल जेड कर देते हैं। इसके बाद डिलीट डिलीट सेल्स में आपको रो और कॉलम का ऑप्शन मिलता है, ये दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पर भी दिए गए हैं, डिलीट कॉलम्स एंड डिलीट रोज। अब आपको यहाँ पे डिलीट कॉलम करना है, तो जिस भी कॉलम को डिलीट करना है उस कॉलम पे पहले आप क्लिक करेंगे। अब आपको पता है कॉलम क्या होती है, खड़े में जो रहते हैं वो आपके कॉलम रहते हैं वर्टिकल में, और जो हॉरिजॉन्टल में रहता है वो आपके रो रहते हैं। अब आपको फर्स्ट वाला जो कॉलम है उसको डिलीट करना है, तो फर्स्ट वाले कॉलम पे आपने क्लिक किया, अब आप क्या करेंगे डिलीट के ड्रॉप डाउन और ऊपर क्लिक करें और डिलीट कॉलम्स कर देंगे, तो आप देखेंगे फर्स्ट वाला कॉलम डिलीट हो गया,
इसके बाद ये फिफ्थ और सिक्स नंबर का कॉलम डिलीट करना है और दोनों एक साथ करना, तो आप इन दोनों को इस टाइप से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद डिलीट के ड्रॉप डाउन पर क्लिक कर डिलीट कॉलम पर, तो आप देखेंगे दोनों एक साथ होगा या आपका डिलीट आया। कंट्रोल जेड करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका डिलीट रो, तो डिलीट रो मतलब फर्स्ट वाली रो पे भी आपका क्लिक है तो यहाँ पे डिलीट रो करेंगे, तो फर्स्ट वाली रो आपकी डिलीट हो जाएगी। कंट्रोल जेड करते हैं तो वो वापस आ जाएगा, ठीक है। इसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे, आप एक से ज्यादा रो डिलीट करनी हो तो आप उनको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डिलीट कर देंगे, तो वो रो डिलीट हो जाएंगे। एक टिक करके करना है तो एक पे क्लिक करेंगे, और डिलीट टेबल करनी है तो यहाँ से पूरे टेबल को डिलीट कर देंगे, पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी, आ जाएगा। कंट्रोल जेड करते हैं, ले आओ, तो यहाँ से ड्रॉ करते हैं आप आपके अकॉर्डिंग टेबल को, यहाँ से आप डिलीट करते हैं, डिलीट सेल करना हो, डिलीट कॉलम्स, डिलीट रोज और डिलीट टेबल, ठीक। इसके बाद ये तो आपका डिलीट करने के लिए था। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे इंसर्ट एवोव, इंसर्ट वेलोव, मतलब आपको रो कॉलम इंसर्ट करना, कॉलम के लिए ये लेफ्ट राइट है यहाँ पे, और रो के लिए एवोव है और वेलोव, मतलब आपको ऊपर इंसर्ट करना है रो या नीचे इंसर्ट करना है, आप इसके प्रीव्यू समझ सकते हैं। इसमें ऊपर की साइड बता रहा है, वेलोव मतलब ऊपर होता है, सॉरी एवोव, और वेलोव मीन्स नीचे। तो जैसे आपको ये फर्स्ट वाली रो पे क्लिक है, इसके ऊपर एक रो इंसर्ट करनी है आपको, तो आप यहाँ से कर देंगे इंसर्ट एवोव, तो आप देखेंगे एक रो इंसर्ट हो जाएगी ऊपर आपकी। नीचे की साइड करनी है तो यहाँ से वेलोव कर देंगे, ठीक है। अभी तो ये एक एक करके हुई है, अगर आपको एक साथ एक से ज्यादा रो इंसर्ट करना है तो जितनी भी रो इंसर्ट करना है, जैसे कि हमें दो रो इंसर्ट करना है, तो दो रो को आपने सेलेक्ट किया, इसके बाद ऊपर करना है या नीचे, ऊपर ले लेते हैं, तो आप देखेंगे दो रो एक साथ इंसर्ट हो जाएंगे। जैसे आपने सेलेक्ट डिलीट किया था, डिलीट किया था सेलेक्ट करके, उसी टाइप से आप इंसर्ट कर सकते हैं। कंट्रोल जेड करते हैं हम। इसके बाद अगर नीचे की साइड इंसर्ट करना हो तो आप देखेंगे एक नीचे आ गई, इसमें आप कॉलम है, कॉलम आपको लेफ्ट साइड इंसर्ट करना है या राइट साइड, जिस पे ऐसे फोर्थ वाले कॉलम पे क्लिक है इसके लेफ्ट में लेना है, तो आप ये इंसर्ट लेफ्ट कर देंगे तो इसके लेफ्ट में आ जाएगा, फोर्थ वाले के राइट में लेना है तो इंसर्ट राइट कर देंगे तो राइट साइड में आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप ऐड कर सकते हैं और डिलीट करना हो तो डिलीट कर सकते हैं, तो आ जाएगा आपको। इसके बाद यहाँ पे आप माउस पॉइंटर लेके जाते हैं तो ये अलाइन आती है और एक प्लस का साइन आता है, इससे भी आप ऐड कर सकते हैं रो एंड कॉलम, इससे तो रो हो जाएंगी, कॉलम पर लेकर जाएंगे यहाँ पे कॉलम हो जाएगा आपका ये, ठीक है। तो ये ऑप्शंस आ जाएंगे आपको डिलीट के हैं और इंसर्ट करने के लिए। आगे बता दें, इसको डिलीट कर देते हैं अपन। देखिए आप कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट किया आपने तो टेबल सेलेक्ट हो गई, आप कीबोर्ड से डिलीट करेंगे तो आपका यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और टेबल ले आओ। इसके बाद है मर्ज सेल्स, अभी आपका ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा। मर्ज का मतलब होता है आपको यहाँ पे मर्ज करना है, दो या तीन सेल को एक सेल में मर्ज करना है आप, ठीक है, उसके लिए रहता है। जैसे ही आप यहाँ पे कुछ सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपने इतना एरिया सेलेक्ट किया और यहाँ पे मर्ज सेल हाईलाइट हो गया, इस पर क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे वो आपका क्या हो गया, यहाँ पे मर्ज कर दिया उसने। अब यहाँ पे आपको जो भी हेडिंग देनी हो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है, तो आ जाएगा। जैसे आपने इसको मर्ज किया, देखिए मर्ज, अब आपको अनमर्ज करना है, फिर क्या करेंगे आप, कंट्रोल जेड, क्या, हाँ, क्या ऑप्शन आ रहा है, स्प्लिट सेल, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पे कितनी रो और कितने कॉलम मर्ज किए वो टाइप कर देंगे, आपकी रो तो एक ही है, यहाँ पे कॉलम कितने हैं, 1 2 3, तो आप यहाँ पे 3 लिख देंगे,